एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स मैजिक। मैं हूं आपका होस्ट शाहिद महमूद, और आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। पहली दो वीडियोस में हमने बात की थी ये फाउंड ग्रुप में, और उसके बाद हमने नेक्स्ट वीडियो में बात की थी पैराग्राफ पे। और जिस इन दोनों पिछली दोनों वीडियोस में हमने पर्टिकुलरली जिस टॉपिक को डिस्कस किया था वो था पैराग्राफ फॉर्मेटिंग या टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अब इस वीडियो को भी हम जो है ना पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में ही इस बार डिस्कस करेंगे, और इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो स्टाइल्स ग्रुप को वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं स्टाइल ग्रुप को यूज करके हम किस तरह जो है वो पैराग्राफ को किस तरह फॉर्मेट किया जा सकता है या टेक्स्ट को किस तरह हम फॉर्मेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये है कि अगर हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसमें वो मल्टीपल पेजेस हैं, एक से ज्यादा पेजेस हैं, तो अगर उसमें हमने हेडिंग्स वगैरह लगानी है तो वो अगर हम मैन्युअली ऐड करें, हेडिंग वन लिखें इस तरह करके, तो फिर जाके दूसरे पे हेडिंग लगाएं, तीसरे पे, इस तरह जो है ना मैनेज करना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा तरीका जो है हेडिंग को नंबर लगाने का, वो ये है कि इधर लेके आके कर्सर को इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और नंबरिंग पे क्लिक करें तो ये आपकी हेडिंग को नंबरिंग लग जाती है। इसके अलावा जो मेथड है वो ये है कि स्टाइल्स को हम यूज करें, इन स्टाइल्स को यूज करके हम किस तरह पैराग्राफ को फॉर्मेट कर सकते हैं, किस तरह हेडिंग को फॉर्मेटिंग की जा सकती है, और कैसे जो है ना क्विकली जो फास्ट मेथड जो है ना हम जो पूरे डॉक्यूमेंट में जो है वो चेंजिंग कर सकते हैं। इसका जो सबसे आसान तरीका वो ये है कि स्टाइल जो है ना, ये जो स्टाइल ग्रुप है इसको यूज किया जाए। हम अब स्टाइल को किस तरह हम यूज करेंगे, हम करेंगे इस तरह के, ये जो है ना हम न्यू लिस्ट भी हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं। अब देखना ये है कि हम स्टाइल्स को यूज करके हम किस तरह हेडिंग को, ये टेक्स्ट को, ये पैराग्राफ को किस तरह हम फॉर्मेट कर सकते हैं। तो इसको फॉर्मेटिंग करने के लिए हम जो है इस एरो पे जब क्लिक करेंगे तो एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी, तो यहाँ से हम जो है वो न्यू स्टाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर जो हमें बाय डिफॉल्ट जो स्टाइल्स अवेलेबल है हम इनको यूज करके जो है वो अपने डॉक्यूमेंट को, स्टाइल को हम जो है ना वो फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लगानी है हेडिंग्स, तो हेडिंग को लगाने के लिए हम ये इसको करेंगे सिलेक्ट, और जब हेडिंग वन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है ना वो इसकी हेडिंग इसकी लग जाएगी। इस हेडिंग को मॉडिफाई भी किया जा सकता है, मॉडिफाई करने के लिए हम इस पे राइट क्लिक करेंगे तो मॉडिफाई पे क्लिक करें, तो जो भी आपने इधर से स्टाइल इसका जो इसका फॉन्ट आपने रखना है, फॉर एग्जाम्पल टाइम न्यू रोमन आप फॉन्ट इसका सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करें, और हेडिंग वन का जो साइज है वो क्या होना चाहिए, 16 ही। हेडिंग वन को बोल्ड करना चाहते हैं तो इधर से बोल्ड भी कर सकते हैं, या अटैलिक या अंडरलाइन। इसका जो हेडिंग वन का कलर है वो यहाँ से चेंज किया जा सकता है फॉन्ट कलर, तो कलर यूजुअली वो ब्लैक ही यूज करते हैं तो ब्लैक कलर मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा। और फिर ये है कि जो हेडिंग जो है वो आपकी लेफ्ट अलाइन हो या सेंटर अलाइन हो या राइट अलाइन हो या जस्टिफाइड हो, तो इधर से हम वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन है वो लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन है कि लाइन के दरमियान कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए। जब हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट भी करते हैं तो नीचे भी हमें जो लाइन स्पेसिंग की वो इधर शो कर रहा है कि लाइन स्पेसिंग वो जो है वो सिंगल स्पेसिंग है। तो और अगर हम इस पे देखा जाए क्लिक करके तो जो लाइन स्पेसिंग है वो चेंज हो रही है 1.5 लाइन, और ये जो है डबल स्पेसिंग की ऑप्शन है। तो हम यूजुअली जो है ना वो सिंगल लाइन स्पेसिंग या फिर ये वाला जो है 1.5 लाइन स्पेस यूज करते हैं। ये जो ऑप्शंस है ये पैराग्राफ स्पेसिंग के लिए है कि आफ्टर या बिफोर जो भी आपने स्पेस रखनी है वो यूज कर सकते हैं। तो ये जो है इंडेंटेशन का होता है कि हम जो है वो इन हेडिंग को किस जगह पे लेके जाना चाहते हैं। जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये क्लोज टू द मार्जिन चली जाएगी हेडिंग, अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो मार्जिन से जरा फार अवे चली जाएगी ये हेडिंग। अब आप देख रहे हैं कि हेडिंग जो है मार्जिन से हमारी जरा दूर जा रही है। अब मार्जिन के करीब लेके आने के लिए पेज मार्जिन के इस पे आइकॉन को यूज करके हम वो यूज कर सकते हैं। जो भी आपने चेंजिंग की है, जो भी आपकी टेक्स्ट पैराग्राफ फॉर्मेटिंग या हेडिंग की सेटिंग है वो आपको इधर शो हो रही होती है। ये जो है आपने जो फॉन्ट आपने सेलेक्ट किया टाइम न्यू रोमन फॉन्ट है, इसका 16 साइज है, आपने बोल्ड किया हुआ है, लाइन स्पेसिंग आपने ये यूज की है, सारी डिटेल जो है आपको वो यहाँ पे
शो कर रहा है। इसको जब आप ओके करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या है, आपकी वो हेडिंग का साइज और जो है इसका कलर वो चेंज हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो है इसी तरह हम दूसरी हेडिंग को भी जब इस पर सिलेक्ट करके ये क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट हेडिंग का भी यही तरीका है। अब हम चाहते हैं कि इसमें सब हेडिंग लगानी है। सब हेडिंग के लिए ये क्या है कि हम मल्टी मल्टी लेवल लिस्ट जो हम यूज करेंगे, जो मल्टी लेवल लिस्ट है वो ये आइकॉन है, तो इसके जब क्लिक करेंगे तो यूजुअली ये वाला ऑप्शन जो है वो यूज किया जाता है। जो मैं यूज करता हूँ वो ये वाला ऑप्शन है हेडिंग वन। जब आप इस पे भी क्लिक करते हैं आप देख रहे हैं कि हेडिंग को नंबरिंग भी लग गई है और इधर से वो हेडिंग की वो लिस्ट भी हमारे पास आ गई है। तो ये हेडिंग वन है, जब इसको आप सिलेक्ट करके सब हेडिंग की आप ऑप्शन यूज करेंगे तो जो आपकी जो सब हेडिंग होगी वो होगी 1.1, जिस तरह की हमें टेक्स्ट बुक में शो होता है। तो ये अब आपका आ गया। इसी तरह जब जैसे हमने हेडिंग वन को फॉर्मेट किया था, सब हेडिंग को भी उसी तरह फॉर्मेट कर सकते हैं। इस पर राइट क्लिक करेंगे, मॉडिफाई करेंगे और मॉडिफाई करने के बाद इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, इसका साइज चेंज कर सकते हैं, लेट्स से 14, इसका कलर इसको बोल्ड कर लेते हैं, इसको जस्टिफाई कर लेते हैं, इसकी लाइन स्पेसिंग ये रख लेते हैं 1.5 और इसका जो कलर है वो ब्लैक ही कर लेते हैं और इसको कर देते हैं ओके। अब आपने देखा है कि फ्रेंड्स कि जैसे ही हमने वो हेडिंग को सिलेक्ट किया है ये इसका ऑटोमेटिकली चेंज हो गई है। अब जब इस हेडिंग को सिलेक्ट करके वही हेडिंग टू पे क्लिक करेंगे तो ये वाली हेडिंग जो हो जाएगी 1.2 हो जाएगी और ये इसी तरह प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। अब ये जो है वो पैराग्राफ है, इसकी सब हेडिंग है और ये जो है इसकी मेन हेडिंग है। मेन हेडिंग को जब हमने सिलेक्ट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली हमें शो कर रहा है। अगर इसी तरह की हेडिंग हमने देनी है तो ये जो सब हेडिंग या सब हेडिंग की आगे सब हेडिंग देनी है तो ये वाला जो है हेडिंग 3 यूज करेंगे। इसके ऊपर भी जो स्टाइल है वो शो हो रहा है 1.1.1 जो है वो अपनी हमारी हेडिंग आ जाएगी। आप ये नीचे भी देख सकते हैं डॉक्यूमेंट में भी जो हमें शो हो रहा है। इसी तरह अगर हमने कोई टाइटल है हमारे डॉक्यूमेंट का तो ये टाइटल की हेडिंग है तो इसको हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो है हमारा टेक्स्ट जो पैराग्राफ का फॉर्मेट है वो किस तरह का होना चाहिए कि हम जब पैराग्राफ पे क्लिक करते हैं तो ये हमें वो शो कर रहा है कि ये नॉर्मल स्टाइल है। इस पे जब क्लिक करेंगे इसको मॉडिफाई करेंगे तो इधर से जाके हम इसका जो फाउंट है वो टाइम न्यू रोमन और इसका जो फाउंट साइज है वो 12 कर लेते हैं, इसको कर देते हैं जस्टिफाई और लाइन स्पेसिंग कर देते हैं 1.5, इसको कर देते हैं ओके। तो ऑटोमेटिकली हमारा जो टेक्स्ट है आपने देखा है कि वो सारे का सारा वो चेंज हो गया डॉक्यूमेंट में। इसी तरह से जब हमारा पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा तो हम शुरू में अगर ये वाली सेटिंग को यूज करके हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे तो हमें जो है वो काफी ईजी हो जाता है। और यूजली कुछ लोगों को इसका टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट नहीं करना था कि टेबल ऑफ कंटेंट कैसे जनरेट किया जाए। अगर आपने ये स्टाइल्स वगैरह को यूज किया तो टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट करना भी कोई मुश्किल काम नहीं होता। तो टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट करने के लिए अब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि टेबल ऑफ कंटेंट किस तरह जनरेट कर सकते हैं, जिसमें पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ यही बताऊंगा कि टेबल ऑफ कंटेंट को किस तरह जनरेट कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ फिगर किस तरह जनरेट की जा सकती है, लिस्ट ऑफ टेबल किस तरह जनरेट किया जा सकता है। तो वो पर्टिकुलरली एक अलग वीडियो होगी। और इसके बारे में मजीद जो स्टाइल्स के बारे में रह गया कि अगर हमारे पास कोई इमेज है, लेट्स से कि मैं इधर कोई फिगर ड्रा कर देता हूँ, कोई एक इमेज लगा देता हूँ, इंसर्ट कर देता हूँ कोई भी शेप, लेट्स से कि हमारी ये इमेज है। अब इसको करना है हमने कैप्शन, तो कैप्शन करने के लिए हम इसको करेंगे राइट क्लिक करेंगे इंसर्ट कैप्शन, तो ये ऑटोमेटिकली हमारा आ रहा है इधर से फिगर वन। तो फिगर वन को कोई भी हम नेम दे सकते हैं, रेक्टेंगल, तो जब इसको करेंगे ओके तो ये हमारा नेम इधर नीचे आ जाएगा। तो इसको भी हम किस तरह फॉर्मेट कर सकते हैं, जब हम इधर ये एरो पे स्मॉल जो एरो है इस पे क्लिक करेंगे तो इधर नीचे हमारे कैप्शन का ऑप्शन भी आ रहा है स्टाइल, इसको हम कर सकते हैं फॉर्मेट। इसको राइट क्लिक करेंगे, मॉडिफाई करेंगे और जिस तरह हमने बाकी हेडिंग की और पैराग्राफ की सेटिंग की है इस तरह इसकी भी जो भी आपको रिक्वायर्ड फाउंड साइज और स्टाइल है इसको चेंज कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं। और इसको हम यूजुअली ये जो फिगर्स हैं आपकी वो सेंटर अलाइन होती हैं तो इसको सेंटर में क्लिक कर देते हैं, इसको करेंगे ओके तो ये ऑटोमेटिकली आपका चला जाएगा सेंटर में।
तो ये तरीका कार होता है आपका, मतलब कि अब ये मैंने फिगर ड्रा नहीं की थी इसलिए ये इस तरह शो नहीं हो रहा, लेकिन अगर आपके पास कोई इमेज इंसर्ट की हुई है तो वो प्रॉपरली जो टेक्स्ट होता है आपका वो सेंटर में आ जाता है। तो ये हमारी इमेज नहीं है शायद इसलिए ये नहीं हो रहा। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें तो हमारा चैनल जरूर लाइक करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी न्यू आने वाली वीडियोस हैं उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।